हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज ने ऑफिशियली एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है। अपनी राहें जुदा होने का ऐलान खुद हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। हिमांशी ने ब्रेकअप का खुलासा करते हुए बताया कि वे दोनों अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से अपनी राहें अलग कर रहे हैं। शाहरुख खान स्टारर और राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड मूवी डंकी ने रिलीज से पहले ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। डंकी के ट्रेलर को रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर 103 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही यह किसी हिंदी फिल्म का 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की एनिमल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है और हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है। वहीं फिल्म रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कामयाब रही है। पति पत्नी और वो के शानदार 4 साल पूरे होने के मौके पर कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में कार्तिक आर्यन मशहूर डांस ग्रुप MJ5 के साथ फिल्म पति पत्नी और वो के धीमे धीमे चार्ट बस्टर सॉन्ग पर कमाल का डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि कोरियन स्टार के पॉप सिंगर और वो बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री करने वाले हैं। निर्माताओं ने ऑफिशियली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री की घोषणा की है और वो एक फेमस के पॉप सिंगर हैं जो पहले के पॉप बॉय समूह AA का हिस्सा थे। पुष्पा एक्टर जगदीश प्रताप भंडारी को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जगदीश पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पंजा गुट्टा पुलिस ने 29 नवंबर को उनकी कथित प्रेमिका की मौत के बाद जगदीश प्रताप भंडारी को बुधवार 6 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया है। हाल ही में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने फैंस से एनिमल पार्क के सीक्वल के लिए कमर कसने के लिए कहा है। एनिमल के निर्माताओं ने इंटेंस कहानी और कैरेक्टर्स की एंट्री का भी इशारा दिया है। एनिमल के डायरेक्टर ने दर्शकों से एनिमल पार्क में और भी अधिक इंटेंस वायलेंस का वादा किया है। नील नितिन मुकेश और पत्नी रुक्मणी सहाय द आर्चीज की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। वहीं इंटरनेट पर आ रही एक वीडियो में रणबीर कपूर नील को राह की तस्वीर दिखाते हुए कैद हुए हैं। रणबीर कपूर का कहना है कि वह अभी 1 साल की ही हुई है। इस वीडियो को नेटिजंस का खूब प्यार मिल रहा है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।